इंतजार हुआ खत्म, बच्चों ने उत्साह से लगवाई वैक्सीन। वैक्सीनेशन के बाद बोले विद्यार्थी, टीका लगवाने के लिए अपने बारी का बेसब्री से कर रहे थे इंतजार। चिकित्सा विभाग ने 15 वर्ष से अधिक उम्र के 323 बच्चों को लगवाई वैक्सीन की पहली डोज। बागोड़ा कस्बे के सीनियर विद्यालय में सोमवार को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से गाइडलाइन के मुताबिक 15 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों को वैक्सीन की पहली खुराक दी गई। विद्यालय में वैक्सीन लगवाने के लिए बच्चों में काफी उत्साह देखा गया। सवेरे से ही वैक्सीनेशन सेंटर पर विद्यार्थियों की भीड़ जमा हो गई थी। चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजेश बिश्नोई ने बताया कि 400 बच्चों को टीके लगवाने का लक्ष्य रखा था, जिसमें 323 बच्चों को वैक्सीन लगवाई गई। चिकित्सा विभाग के साथ विद्यालय स्टाफ ने सेंटर पर पहले ही तैयारी कर ली थी। वैक्सीनेशन के लिए बच्चों का हाथों हाथ रजिस्ट्रेशन करवा कर वैक्सीन लगवाई गई। वैक्सीनेशन सेंटर पर आकर्षक सजावट भी की गई है। इस दौरान SDM मृदुला शेखावत ने कहा कि कोरोना वैक्सीन ही इस महामारी में सबसे कारगर साबित हुई है। बच्चों को टीकाकरण और बड़ों को कोविड अनुरूप व्यवहार से बढ़ते संक्रमण को नियंत्रित किया जा सकता है। टीका लगवाने के बाद बोले बच्चे, हमें अपनी बारी का बेसब्री से था इंतजार। वैक्सीनेशन सेंटर पर टीका लगवाने के बाद बच्चों ने कहा कि उन्हें वैक्सीन लगवाने के लिए अपनी बारी का बेसब्री से इंतजार था। उन्होंने कहा कि वैक्सीन लगवाने से कोरोना का खतरा कम होता है, वह सभी से वैक्सीन लगवाने के लिए अपील भी की। टीका लगवाने के बाद 30 मिनट रखी गई निगरानी। स्कूल में वैक्सीनेशन के बाद निगरानी के लिए वेटिंग रूम भी बनाए गए हैं। जिन बच्चों को टीका लगाया गया उनको 30 मिनट के लिए वेटिंग रूम में रोक कर रखा गया, जहां चिकित्सा अधिकारी सहित चिकित्सा विभाग की टीम किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार रही। सेंटर का SDM ने निरीक्षण कर देखी व्यवस्था। रावमावी के टीकाकरण सेंटर पर SDM मृदुला शेखावत की उपस्थिति में वैक्सीनेशन की शुरुआत की गई। इस दौरान SDM शेखावत ने वैक्सीन लगवाने वाले छात्रों को टॉफी देकर हौसला अफजाई भी किया। वह केंद्र पर टीकाकरण दल को 100% वैक्सीनेशन के लिए निर्देशित किया गया। कितना टारगेट है बच्चे के सेट 15 से 18।